हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनमें से आपको बताना है कौन सी लीनियर इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये लीनियर इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट आती हैं तो इनके सॉल्यूशंस को आपको ग्राफिकली निकालना है। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है हमारे पास पे x प्लस वाई इजिक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इजिक्वल्स टू 10। तो रेशियोज क्या होंगे हमारे, a1 अपॉन में a2 इजिक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन में a2 क्या आएगा आपका 1 अपॉन में 2। b1 अपॉन में b2 क्या आएगा, ये भी आएगा आपका 1 अपॉन में 2। और c1 अपॉन में c2 क्या आएगा आपका 5 अपॉन में 10। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 2। तो ये निकल गया इसके रेशियोज। अब इसे कंपेयर कर लेंगे। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो a1 अपॉन में a2 क्या है 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 भी है 1 अपॉन में 2 और c1 अपॉन c2 भी है 1 अपॉन में 2। तो ये तीनों आपके बराबर आ रहे हैं, यानी कि कंडीशन आपकी क्या बन गई, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो जब ये कंडीशन आती है तो आपकी लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो लाइंस कैसी होती हैं आपकी, कोइंसिडेंट होती हैं। इसलिए दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशंस आपकी कैसी आएंगी, कंसिस्टेंट आएंगी। इतना पता करने के बाद में कि इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि आपको ग्राफ पे प्लॉट करनी है। तो इसके बाद हम बना लेंगे दो ऐसे बॉक्सेस। एक्स और वाई, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए। एक्स और वाई, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 के लिए। अब एक एक करके इन दोनों बॉक्सेस के लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन है आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की क्या वैल्यू आएगी, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 यानी कि 5। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। तो अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ रही है आपकी 5। नेक्स्ट मान लीजिए x की जगह पे हम रखते हैं 2, तो y की क्या वैल्यू आएगी, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो ये हो गई आपकी वैल्यूज इक्वेशन 1 के लिए। अब निकालते हैं वैल्यूज इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो अगर हम इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो इक्वेशन आपकी क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यानी y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। और अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी है तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। तो ये निकल गई हमारी इन दोनों इक्वेशंस के लिए वैल्यूज। अब इन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो इक्वेशन 1 के लिए वैल्यूज क्या थी हमारे पास में, 0 और 5 और 2 और 3।
और इक्वेशन टू के लिए वैल्यूज क्या थी हमारे पास में, 1 और 4 और 3 और 2। तो इक्वेशन 1 की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। पहला x कोऑर्डिनेट है आपका 0 और y कोऑर्डिनेट है आपका 5। तो 0 और 5 यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 2 और 3। तो 2 है आपका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है आपका 3 जो कि आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद में इक्वेशन 2 के लिए वैल्यूज है आपकी 1 और 4। तो 1 है आपका x और y है आपका 4, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। और सेकेंड वैल्यू है हमारे पास में 3 और 2। 3 है आपका x और y है आपका 2 जो कि आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। ये है आपका 3 और 2, ये है आपका 2 और 3, ये है आपका 1 और 4 और ये है आपका 0 और 5। ये हमने लिख लिया इसकी कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद में हम ज्वाइन करेंगे इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को। तो ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां से लेकर के यहां का जो पोर्शन है लाइन का वो आपका कोइंसाइड कर रहा है, यानी एक के ऊपर एक आ रही है लाइन। तो ये लाइंस आपकी हैं कोइंसिडेंट लाइंस और ये है इसका सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन है हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेशियोज को, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन में a2 आएगा हमारा 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 आएगा हमारा -1 अपॉन में माइनस का 3 और c1 अपॉन में c2 आएगा हमारा 8 अपॉन में 16। तो 16 आपका 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 3। अब कंपेयर कर लेते हैं इन्हें। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन में a2 आया हमारा 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन b2 भी है 1 अपॉन 3 और c1 अपॉन में c2 है आपका 1 अपॉन में 2। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों तो आपके इक्वल हैं, लेकिन 1/3 1/2 के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे अनइक्वल का साइन आ जाएगा। यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन ये दोनों आपके c1/c2 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन बन गई है आपकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन है आपकी पैरेलल लाइंस की। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस दीज लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्योंकि ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं इसलिए ये इक्वेशंस आपकी क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो जब भी आपकी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट आएंगी उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जब भी आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट आएंगी उसके बाद में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।